दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से पावर डायरेक्टर से अपने वीडियोस के अंदर जूम इन जूम आउट इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। दोस्तों, आपने से बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिन वीडियोस पर दोस्तों आपको जूम आउट जूम इन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो जूम इन जूम आउट इफेक्ट के आप किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, पहले दोस्तों आप ये जान लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दोस्तों आप कैमरे के सामने बैठे बात कर रही हो, तो उसी जगह पर दोस्तों आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसी जगह पर अगर आप जूम आउट जूम इन इफेक्ट को इस्तेमाल करते हो तो आपका जो वीडियो और भी प्रोफेशनल बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, और एक जगह पर आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। मान लो दोस्तों आप किसी भी चीज़ को दिखा रहे हो, किसी चीज़ को आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो, उसी जगह पर भी दोस्तों आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट। आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिन वीडियोस पर दोस्तों जब किसी चीज़ को दिखाते हैं तो उसको जूम करके दिखाते हैं, ताकि कोई भी इंसान को उस चीज़ को क्लियरली दिखाई दे, क्लियरली नज़र आ जाए तो जो सामने वाला बंदा हो उसको क्या दिखाना चाहता है। तो इसी जगह पर दोस्तों आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि दोस्तों, आप सभी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हो जूम इन जूम आउट इफेक्ट को, लेकिन इन दोनों जगह पर दोस्तों आप किसी भी वक्त जूम इन जूम आउट इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक दोस्तों, अभी जो आप मेरी वीडियोस देख रही हो, इस वीडियो पर अगर मैं चाहता हूँ तो जूम इन जूम आउट इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ आप लोगों को किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाने के लिए। अब दोस्तों, आपको तो ये समझ में आ गया है कि किस जगह पर आप जूम इन जूम आउट इफेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हो और किस वक्त इस्तेमाल करना चाहते हो। आज की इस वीडियो पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप पावर डायरेक्टर से जूम इन जूम आउट इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस के अंदर। इसकी पहले वीडियो पर दोस्तों मैंने आपको बताया है कैसे आप लोग काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर जूम इन जूम आउट इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पर मिल जाएगा, सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा चेंजेस है, उस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करते हो तो। और अगर आप पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को ऑलवेज इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक देखते रहिएगा। तो अगर आपके पास पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन का जो प्रीमियम वर्जन है वो नहीं है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहां पर जैसे कि देख सकते हो मैंने पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को ऑलरेडी ओपन कर चुका हूं। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट की ऊपर क्लिक करना है, एंड देन दोस्तों आपको क्या करना है, रेशियो चूज़ करना है 16:9 या फिर 9:16। तो यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा यूट्यूब के लिए 16:9। ओके, उसके बाद दोस्तों यहां से आपको अपनी सिंपली वीडियोस को इंपोर्ट करना है जिस वीडियो पर दोस्तों आपको जूम इन जूम आउट इफेक्ट को ऐड करना है। तो मैं यहां से सिंपली एक वीडियोस को इंपोर्ट कर लेता हूं, लाइक यहां पर मैं ये वाला वीडियो इंपोर्ट कर रही हूं ताकि दोस्तों आपको समझने में आसानी हो आखिर में दोस्तों जूम इन जूम आउट इफेक्ट को किस तरीके से किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर मैंने जैसे कि देख सकते हो एक वीडियोस को इंपोर्ट कर ली। अब दोस्तों जिस पार्ट भी आप चाहो तो इस पूरी वीडियो पर दोस्तों जूम इन जूम आउट इफेक्ट को ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप किसी भी एक पार्टिकुलर पार्ट पर जूम इन जूम आउट इफेक्ट को इस्तेमाल कीजिएगा। लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो कैची का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो स्प्लिट कर लेना है सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके। तो ये पार्ट जैसे कि देख सकते हो स्प्लिट हो चुका है। अब इस पार्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, एंड आपको सिंपली क्लिक करना है ये पेन वाले आइकन के ऊपर जैसे कि देख सकते हो। तो जैसे आप पेन वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा क्रॉप, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्रॉप। तो एक सिंपली क्रॉप के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से जूम कर लेना है, जिस तरीके जितना पार्ट आपको चाहिए आप उस पार्ट को इस तरीके से जूम कर सकते हो, और इस पार्ट को आप इधर उधर कर सकते हो। इस स्क्रीन पर आप इस पार्ट की ये पूरी स्क्रीन के अंदर आप किसी भी पार्ट को इस तरीके से जूम करके दिखा सकते हो, जितना चाहो आप उतना जूम कर सकते हो जैसे कि देख सकते हो। ये दोस्तों आप ज़्यादा जूम मत कीजिएगा अगर आपकी वीडियो 1080p या 720p में रिकॉर्ड किया हो, तो आप अपने लिमिट पर इसे जूम कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद आपको डन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपकी वीडियो पर अप्लाई हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत ही इजीली यहाँ पर वीडियो पर जूम इन जूम आउट इफेक्ट जो अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों जिस पार्ट पर आपको जूम इन जूम आउट इफेक्ट को ऐड करना है सेम उसी तरीके से आपको पेन के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, क्रॉप के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे टाइमलाइन को शो करना है तो मैं इस तरीके से जूम कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग हाईलाइट कर सकते हो किसी भी चीज़ों को, या फिर किसी भी चीज़ को दोस्तों आप एक बिल्कुल खारिज से दिखा सकते हो। तो जूम इन जूम आउट का यही फ़ायदा है दोस्तों, आप किसी भी दूर का चीज़ को खारिज से दिखा सकते हो उसको जूम करके। ऑलराइट, यहाँ पर हमने दोस्तों सीख लिया कि जूम इन जूम आउट इफेक्ट को कैसे ऐड करते हैं पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर। अब दोस्तों हमारे वीडियोज़ को सेव करना है, सेव करने के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है एरो के आइकन के ऊपर।
और आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर प्रोड्यूस वीडियो के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर सेव टू गैलरी और एसडी कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन दोस्तों आपको यहाँ पर फुल एचडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली क्लिक करना है प्रोड्यूस वीडियो। तो उससे पहले आप सेटिंग को चेक कर लीजिएगा, फ्रेम रेट 30 FPPS, बिट रेट बेटर क्वालिटी। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपली क्लिक करना है प्रोड्यूस वीडियो। एज यू कैन सी क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा।